उनको जो बोले थे तुम लिए कि नहीं, अच्छा तुम तो मेरे साथ। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और लगातार आज हम दिखा रहे हैं दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर जहां रामनवमी का उत्सव है। देखिए, एक तरफ अयोध्या में जो उत्सव हो रहा है उसी की झलक दरभंगा में भी देखने पर चल रहा है, लेकिन इसका असर क्या होगा चुनावी समीकरण में वो भी हम चर्चा करेंगे। हम बता दें, यहाँ लहरियासराय के दारूभट्टी चौक पर आज वर्षों से यहाँ पर अखाड़े को सम्मानित किया जाने की परम्परा है, और हम बताएं उस परम्परा को मनीष जायसवाल आज यहाँ पर निभाए। कितने अखाड़े आते हैं, पहले कितने थे और अभी कितने लाइसेंसी अखाड़े? अभी दरभंगा में लगभग 5 नाका पर जहाँ पे सभी अखाड़ा आता है वहाँ पर पिछले साल लगभग 72 व्यायामशाला, कीर्तन मंडली और झांकी आई थी, और 8-9 मुझे लगता है कि रास्ते से काफ़ी विलंब होने के कारण या अत्यधिक संख्या में राम भक्तों का रोड पर होने के कारण कुछ लौट गई थी जो 5 नाका तक नहीं पहुँच पाई थी। तो मुझे लगता है अपना शहर और शहर के आसपास 80-85 के आसपास व्यायामशाला, कीर्तन मंडली और झांकी निकलती है। कुछ को कैंसिल भी किया गया था, कुछ को कैंसिल भी किया गया था पिछले वर्ष, या फिर इस बार नया आया है कितने? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कैंसिल किसी को किया गया था। हम लोग का तो प्रत्येक वर्ष जिला रामनवमी समिति की तरफ से प्रयास है कि ऐसा एक भी व्यायामशाला जो बंद होने की कगार पर या बंद हो रहा हो किसी कारणवश उसको पुनः शुरू किया जाए, आरम्भ किया जाए, बंद नहीं होने दिया जाए। इस पर दिशा निर्देश दिया गया सभी अखाड़ों को, व्यायामशालाओं को, जिस तरह वो शहर में निकले हुए? हम लोग जिला रामनवमी की समिति के तरफ से है कि पूर्व में जिस प्रकार से जैसी भी आपकी व्यायामशाला, अखाड़ा या कीर्तन मंडली निकल रही थी, आप उसी प्रकार से अपना सजा के अपनी गाजा बाजा के साथ, शस्त्र अस्त्र के साथ अपना आपका जो रूट पहले से तय है उस रूट से आप 5 नाका पहुँचे और आपका जो रूट तय है उसी रूट से वापस अपने गंतव्य स्थान पर वापस चले जाए। और अशोक जी, हमारे साथ, इस बार चुनाव में क्या लगता है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा उठेगा इस बार चुनाव में? क्या लगता है कि जो लोग प्रत्याशी से पिछड़ रहे थे, भाजपा से दूर हो रहे थे, क्या इसको एक बार मूवमेंट में लाएगा क्या? आज पूरे संपूर्ण देश में विक्रम संवत 2081 चैत नवमी को मिथिलांचल ही नहीं पूरे विश्व में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और आप ही व्यायामशाला के करें तो मिथिला माता की नगरी है। इस बार जो है जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज ये दिन देखा कि हर घर में व्यायामशाला है और हर घर से लोग निकल रहे हैं और खुशी पूर्वक एकदम अनुशासित वे में, और भगवान श्री राम जन्मोत्सव मन रहा है, और ये इसमें कोई रह नहीं है, वो तो मोदी जी का है, वो तो पूरा देश आज पूरे विश्व इनके पीछे है, और इसके कारण मीडिया भी बदनाम हो रहा है। लोग को कहता है मीडिया मोदी गोदी मीडिया हो गया है, रे भाई पूरा संपूर्ण देश अभी हो गया राम में, इसमें मीडिया का क्या गलती है? मोदी जी का पूरे देश नहीं पूरे विश्व हो गया। चुनाव पर असर पड़ेगा आज के दिन का? आज का दिन का चुनाव तो घोषणा हो जाएगा, प्रधानमंत्री 400 से पार है तो उनको जीत, उसका क्या है? ये तो पहले से हो चुका है और उसका असर है, 22 जनवरी को ही दिखा दिया गया था झलक पूरे विश्व में, और बहुत अच्छे से मिथिलांचल तो सब एक से रहेगा ही, पूरा मिथिलांचल पूरे इंडिया से 400 से ऊपर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री और समाज से भी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान भी करते हैं, इसीलिए इस बार पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में राम लहर है और बहुत अच्छे से माहौल में। अच्छा, इस बार चुनाव में इसका असर पड़ेगा आज के दिन का, क्योंकि कहा गया अयोध्या में पहली बार 12:30 बजे सूर्य की रोशनी पड़ी रामलला पर, तो ये जो दिखाने का प्रयास किया गया क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, चुनाव पर मुझे नहीं लगता है, जो राम का काम करेगा वो इस देश पर राज करेगा, हम लोग वर्षों से बोलते हुए आए हैं, और निश्चित तौर पर हिंदुओं के 500 वर्ष के संघर्ष, त्याग और तपस्या, हमारे पूर्वजों के बलिदान के कारण ये संभव हो सका है। भगवान रामलला अयोध्या जी में विराजमान हो चुके हैं और निश्चित तौर पर हिंदू समाज जो भगवान राम का काम कर रहा है उन्हें इस देश की गद्दी पर बैठाएगा। तो चलिए, आज हम दरभंगा में दिखाएंगे हर चौक चौराहों पर जो उल्लास है राम जन्मभूमि, जो वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसकी असर दरभंगा में देखे पूरे कार्यकर्ता, जहाँ दिखा दीजिए सभी लोग को दिखाइए आज कितना जोश। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं मनोज। देखिए, आज ये किंग्स क्लब का, और हम बता दें कि किंग्स क्लब और आदित्य नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये ट्रॉफी जो है उनको दिया जाएगा जो बेहतर कर्तव्य दिखाएंगे, और ये कार्यक्रम है, आपको हम दिखा दें आपको इस कार्यक्रम को। तो हम बोले आपको ये दिखा रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में उत्साह होगा, जब ये जुलूस यहाँ से निकलेगी तब ये पूरा कार्यक्रम होगा, जहाँ दिखा पूरा ये देखे पूरी तरह
सज धज कर तैयार है यहाँ। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इस तरह के कार्यक्रम उद्देश्य भी होता है कि कैसे ये कार्यक्रम कर सके। और हम बता दें कि देखिए स्टेज पर हम दिखाएंगे, एक तरफ यहाँ लोग हैं और क्या क्या किस्सा का कार्यक्रम है। कितने बजे जुलूस आएगा? क्या कितने बजे जुलूस आएगा? जुलूस आने का समय है 6:30 से जुलूस आएगी। और ये ओम किंग क्लब व्यायामशाला की तरफ से सभी व्यायामशालाओं का भरपूर स्वागत किया जाता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज का वितरण किया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ी ही देर में आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम लगाते हैं आपको लगातार दरभंगा में जो विभिन्न चौक चौराहों पर, और यहाँ हम बता दें किंग्स क्लब और अदिति नर्सिंग होम के द्वारा देखे राम जी की पूजा की जा रही है। और पूजा के साथ यहाँ पर सभी लोग हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आज, कितने अखाड़े होंगे? अब क्या बोले, कितने कार्यक्रम होंगे, कितने अखाड़े ये इधर से गुजरेंगे? लगभग कितने अखाड़े होंगे? 50+। व्यायामशाला की संख्या 20 है और झांकियां जो है लगभग 10 है। कितने अखाड़े आए थे पिछले साल और इस बार कितने अखाड़े हैं? पिछले साल भी लगभग 15-18 अखाड़े थे, इस बार ज्यादा की उम्मीद है। क्या लगता है इससे कितना उत्साह फैला है? उत्साह फैलना तो अलग बात है, हम लोग का काम है कि राम राज को फैलाना। कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये प्रोत्साहित पुरस्कार वितरण समारोह है। ये इसलिए किया गया कि जो अखाड़ा बंद हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारी संस्कृति हमारी परंपरा जो खत्म होती जा रही है, जो राम जन्मी के दिन राम जन्मोत्सव के दिन जो बड़ी धूमधाम से पहले मनाया जाता था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, इसीलिए हमने ये प्रतियोगिता रखा जिससे छोटे छोटे बच्चों में उत्साह जगे और ये रामनवमी जन्मों जन्मों तक चलता रहे। जय श्री राम। अच्छा आज का दिन कितना शुभ है, आज का दिन कितना शुभ है? आज का दिन बहुत शुभ है, आज का दिन के लिए जितना भी कहा जाए कम है। राम जी का जन्म का दिन है और उनका जन्मोत्सव है, तो रामनवमी जो है बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में आज भव्य जश्न हो रहा है, क्या उसका असर दिखने को मिल जाएगा? निश्चित निश्चित, और वहाँ जो भव्य होना ही चाहिए और भव्य हो भी रहा है, इसमें जरूरत से ज़्यादा होना चाहिए और जरूरत से ज़्यादा भी हो रहा है। यहाँ हम लोग भी वहाँ से प्रेरित होके उत्साहित होके हर साल जो है हम लोग मनाते हैं। और हम लोग जितने भी बच्चे लोग हैं आजकल वीडियो गेम पे जा रहे हैं, सारा खेल वीडियो पे ही खेल लेते हैं, तो उन लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पुरस्कार हम लोग देते हैं जिसके वजह से जागरूकता बढ़ती है और वो लोग उत्साहित होते हैं और हम लोग इसका आनंद लेते हैं। क्या लगता है कितने लोग हैं आप लोग कमेटी में कितने लोग हैं इस कार्यक्रम में? हमारी टीम में 25-30 लोग हैं और हम लोग के किंग्स क्लब हमारी टीम का मेन ब्रांड है, इसी के सहारे हम लोग चलते हैं, इसमें किसी का सहयोग नहीं होता। हम मीटिंग में अपने कर्मचारी लोगों के साथ, अपने सदस्यगण अपने फ्रेंड के साथ इस क्लब को चलाते हैं। तो चलिए धन्यवाद आपको हम दिखाएंगे, देखिए आइए किस तरह यहाँ पर देखिए पूरे जोश और उमंग के साथ यहाँ पर है लोग। और देखिए आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए जो इस बार पुरस्कार वितरण जो किया जाएगा, देखिए तमाम ये जय श्री राम के साथ, ये देखिए ये तमाम ये देखिए जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन तमाम अखाड़ों का उनको स्वागत किया जाएगा, उनके जो लगातार वो लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जो अखाड़े बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको बड़े बड़े अवार्ड। ये देखिए किंग्स क्लब का पहला दूसरा ये लगातार ये देखिए ये तमाम लोग हैं, ये है राम भक्तों के लिए एक नया मिशन है लोगों को अखाड़ों को सम्मानित करने का ताकि इसे ज्यादा अखाड़े सम्मानित हो सके। धन्यवाद।
जो भी मिला।